this is the all new Royal Enfield GT 650, and this is the 2022 version. अब ये BS6 मॉडल है और ये मैंने परचेज किया था अभी एक वीक पहले. Congratulations, great, successful person. तो गाइज ये मेरी ड्रीम बाइक है और एक जो मेरा ड्रीम गैराज है उसकी ये पहली बाइक है ट्विन सिलेंडर, और पहला ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अब जब मैंने ये बाइक परचेज़ करी थी तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें पहले ही लगा दी हैं, जैसे ये मास्टर सिलेंडर, ये मैं इसके रेट्स आपको बाद में बता दूँगा. जैसे मिरर्स, मिरर का मेरे को पता है ये 6450 के मिरर्स हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव है पर क्वालिटी अच्छी है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है पैसे देने में. अब इस बाइक में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ. सो दिस इज़ द मीटर कंसोल, राइट, एंड इट्स लुक वेरी गुड. मतलब मेरे को बहुत अच्छा मीटर लगता है, जो ये टैकोमीटर मतलब सब डायल्स के साथ होते हैं, बहुत अच्छा है. बाकी यू गेट अ 320 mm डिस्क ब्रेक एंड विच इज़ वेरी गुड. ब्रेकिंग इज ऑसम ऑफ दिस बाइक. द इंजन इज 648 cc विच प्रोड्यूस 47 bhp ऑफ पावर. बहुत अच्छा, मतलब ये सबसे यू नो सबसे अच्छी और सबसे अफोर्डेबल 650 cc है जो आप ले सकते हो. जो कलर मेरे को लेना था वो था आइस क्वीन, लेकिन आइस क्वीन अब बंद हो चुका है, और ब्रिटिश ग्रीन मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, लेकिन ये मेरे को पहले मिल गई तो मैंने पहले ये ले ली. अब ये बाइक लेते टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश था यार गाइस, क्योंकि यू नो ट्विन सिलेंडर, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको. तो इसे स्टार्ट करते हैं. अब ये गियर में ये इसकी स्टॉक साउंड है और अल्टीमेट, मतलब इंजन सब बहुत स्मूथ इंजन है इसका. स्टॉक साउंड भी इसका अच्छा है, लेकिन मैंने इसके एग्जॉस्ट ऑर्डर कर दिए और वो एग्जॉस्ट की वीडियोस भी चैनल पे आएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और क्या क्या है इसमें, इसका मैं बताता हूँ आपको. सबसे ज़्यादा स्मूथ गेयरबॉक्स की जो मैंने अभी बाइक चलाई है वो यही है. इसमें स्लीपर क्लच भी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन है. इसका गेयर बॉक्स बहुत मतलब अल्टीमेट, बहुत अच्छा काम करता है. ब्रेकिंग भी सुपर है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग में भी अभी. हाँ, और चीज़ मैंने क्या लगाई है इसमें, ये मास्टर सिलेंडर भी लगाया है, ये अलग से आता है, ये भी लगवाया, और ये भी सिल्वर आते हैं, ये मैंने ब्लैक वाला लगवा दिया. काफ़ी चीज़ें लगा दी मैंने इसमें ऑलरेडी. एक ये भी है, ये गार्ड लगाया मैंने, इसको रेडिएटर गार्ड बोल सकते हो, पर ये रेडिएटर है नहीं, ये ऑयल कूलिंग के लिए है बेसिकली, इसमें कोई फ़ैन वैगन नहीं आता. और इसका नाम मैंने रखा है रेडबुल, ठीक है. तो अगर ये नाम अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक टू दिस वीडियो और कमेंट ज़रूर कर देना कि और कोई नाम मैं इसका रख सकता हूँ. अभी मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कराने वाला हूँ और अल्टीमेट चीज़ है, राइड रिव्यू में आपको इसका दे दूँगा. ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं वैसे, लेकिन जो चीज़ भी है क्वालिटी भी अच्छी यूज़ करी गई है. मतलब ये बटन से थोड़ा मैं थोड़ा मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी है, ये थोड़ा और प्रीमियम हो सकता था, लेकिन ये ग्रिप्स ये सब अच्छा है. ये लीवर्स ये भी अच्छे हैं. थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हूँ इंडिकेटर से, मतलब ये हैलोजन नॉर्मल, ये भी हैलोजन, पर ये कैफे रेसर है तो कैफे रेसर जैसी ही आती है. और इसको अभी हम बहुत ही अच्छा लुक देने वाले हैं कम्प्लीटली. एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, ये भी एक एक्सेसरी पार्ट है, ये 3100 का है शायद या 3500 का है, ये रॉयल इनफील्ड का जेनुअन है. इसको क्रैश गार्ड, इंजन क्रैश गार्ड बोलते हैं. एक बड़ा वाला भी आता है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये छोटा ही लगा दिया. ये मैंने लगाया है पर ये मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इनको मैं निकाल दूंगा. और तो कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है. और यही था आज के ब्लॉग में. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना ज़्यादा शेयर कर सको, क्योंकि हमने रेडबुल ले लिया, दून एक्सप्लोरर इज़ ऑन द रेडबुल नाउ. और अब आने वाले अल्टीमेट व्लॉग्स आगे, मैं रेगुलर होने वाला हूँ यूट्यूब के लिए. अब काफ़ी टाइम से मैं बहुत बिजी चल रहा था, तो इसलिए अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.